हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले देखते हैं उस स्टॉक को जिस स्टॉक्स में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट हुआ है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जिस स्टॉक में टारगेट हिट हुआ है उसका नाम है EID पेरी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक को हमने शेयर किया था पेड ग्रुप में 25 जून 2023 को, और इस स्टॉक ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट किया है। इस स्टॉक का फ्राइडे का दिन का हाई है 507.30 का। ठीक है फ्रेंड, ये तो था वो स्टॉक जिस स्टॉक में फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हुआ है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस स्विंग ट्रेड स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको कि आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जिस भी स्टॉक पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए होगा। इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक कौन सा है। आज का हमारा स्विंग ट्रेड स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक की फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग है 419.15 की। अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसमें टारगेट वन आ सकता है 436 का, टारगेट टू आ सकता है 448 के पास में, और टारगेट थ्री होगा 459 का। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 412 के लेवल पर, और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। होल्डिंग टाइम रहेगा इस स्टॉक में 1 to 7 वीक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड को चार्ट पर, और करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस और जानते हैं इसके बाइंग लेवल्स के बारे में। फ्रेंड, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। ये इस स्टॉक का डेली चार्ट है। चलिए बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट पर, इस स्टॉक ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अपनी 50-डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, और इस स्टॉक के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के जो वॉल्यूम थे वे इस स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं चार्ट पर ड्रॉ सपोर्ट जोन की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पर, हमने एक येलो कलर का सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। पिछले 2 महीने से ये स्टॉक के सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 2 महीने में इस स्टॉक ने सपोर्ट जोन पर 3 बार सपोर्ट भी बनाया है। आइए बात करते हैं फर्स्ट टाइम सपोर्ट की। फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट बनाया था 2 जून 2023 को, और सेकंड टाइम इसने सपोर्ट बनाया था 12 जून 2023 को। अब बात करते हैं थर्ड टाइम सपोर्ट की। थर्ड टाइम इसने फिर से सपोर्ट बनाया अपने सपोर्ट जोन पर 1 अगस्त 2023 को, और 1 अगस्त को सपोर्ट बनाने के बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में अभी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इस स्टॉक के बाइंग लेवल की। अभी आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉक आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अपनी 100-डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है, तब स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। टारगेट वन आ सकता है 436 के पास में, टारगेट टू होगा 448 का, और टारगेट थ्री होगा 459 का। बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 412 के लेवल पर, और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है फ्रेंड, ये तो था सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही इसमें डिस्कस करे गए लेवल्स आते हैं तब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग ट्रेड स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड फ्रेंड।